don't fall in love. ये प्यार व्यार मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं जूलियट हूँ, मुझसे प्यार करोगे तो जरूर मरोगे। फाइनली दोस्तों, लगभग 350 की बजट में बनने वाली फिल्म राधे श्याम जी से 14 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। और इस फिल्म में आपको नजर आएंगे सुपरस्टार प्रभास सर और पूजा हेगड़े, और इसमें जगपति बाबू भी नजर आएंगे। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राधे कृष्ण कुमार, और प्रभास सर पहली बार लव स्टोरी फिल्म में नजर भी आ रहे हैं। और इस फिल्म का जो कहानी है वह टाइम ट्रेवल पर आधारित होगा। और इस फिल्म का जो म्यूजिक है या VFX है, इसका काम इतने अच्छे ढंग से किया गया है जो कि यह काबिल तारीफ है। और इस साल रिलीज होने वाली यह पहली फिल्म है जिसे 5 भाषा में रिलीज किया जाएगा और 4000 स्क्रीन पर इसे रिलीज किया जाएगा। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा और हिंदी, इसे 5 भाषा में इसे रिलीज किया जाएगा। और इस फिल्म का जो फर्स्ट दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा वह लगभग 120 करोड़ होगा, और यह सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। और यह फिल्म रिलीज से पहले ही 400 करोड़ का कमाई कर लिया है, जो इस फिल्म का जो लागत था वह अभी इसका निकल चुका है। और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने के लिए 500 कमाना पड़ेगा, और यह फिल्म सब बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा। और जल्द ही यह फिल्म आपको सिनेमाघर में 14 जनवरी को देखने को मिलेगा। और पहली बार प्रभास सर और जगपति बाबू लव स्टोरी फिल्म में नजर आ रहे हैं। और अभी तक इस फिल्म का जो मेन कहानी है वह पता नहीं चला किस टाइप का इसका कहानी होगा। अभी तो हम देख रहे हैं कहीं ट्रेन का सीन देख रहे हैं, कभी इमारत गिरने का सीन देख रहे हैं, तो कभी तो यह लग तो रहा है एकदम फिल्म का जो कहानी है एकदम बहुत ही तगड़ा फिल्म का कहानी है जो टाइम ट्रेवल पर आधारित होगा। लेकिन किस टाइप से आधारित होगा यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। क्या प्यार किस्मत से लड़कर जीत सकता है? क्या हमारे किस्मत ने ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है? क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है? आई लव यू, आई लव यू।